भाई साहब आप प्रिपेयर जय हो गए गुरुदेव। क्लीन स्लेट। जय गुरुदेव। गुरुदेव आज शुरू करूं जी? हाँ जी गुरु भाई, आप शुरू करिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फिर शुरू करता हूं। ये आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, ओके ओके जी, भाई ठीक है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी से। चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है, सब आपकी स्क्रीन यह शेयर लेख हुई पूज्य नहीं। गुरुदेव ने 28 फरवरी 1900। आपकी स्क्रीन नहीं दिख जी रही स्क्रीन क्या? शेयर नहीं हुई? नहीं भाई साहब, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी अब ठीक है। अच्छा वापस चली गई आपकी स्क्रीन। जी हो गई क्या? नहीं हाँ अभी अभी आ रही है। जी ओके। जी मैं शुरू करता हूँ। हाँ शुरू जी भाई साहब। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 28 फरवरी 1988 को लिखा था। अंधेरा और उजाला दो बेमेल वस्तुएं हैं, ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रकाश निर्भयता, नया जोश और चेतनता प्रदान करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा और अचेतनता का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे से विपरीत गुणधर्म की वस्तुएं हैं, इसीलिए सभी धार्मिक ग्रंथों में तामसिक शक्तियों की तुलना अंधेरे से की गई है और सात्विक शक्तियों की उजाले से। तामसिक शक्तियां संसार में हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विनाशकारी शक्तियों का प्रसार प्रचार करती हैं, जबकि सात्विक शक्तियां अहिंसा, प्रेम, दया, सद्भाव आदि सृजनात्मक सत्ता का प्रचार प्रसार करने में निरंतर लगी रहती हैं। युग के गुणधर्म की प्रधानता के कारण इस समय संसार में तामसिक शक्तियों का बोलबाला है, सात्विक शक्तियां पूर्ण रूप से गौण हो चुकी हैं। मैं कह चुका हूं कि मुझे परमात्मा ने जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई उसके अनुसार सात्विकता के पूर्ण हास के साथ साथ तामसिक सत्ता भी आखिरी सांस ले रही है। उसके बचे कुचे शक्तिहीन वंशज नितांत निराशा के भाव में डूबे हुए गिन गिन कर अपने अंतिम दिन बिता रहे हैं। तामसिक शक्तियों की यह स्थिति स्पष्ट घोषणा करती है कि उस परम सत्ता का संसार में अवतरण हो चुका है। ज्यों-ज्यों संसार के सामने उस परम सत्ता के प्रकट होने का समय नजदीक आ रहा है, ये बची खुची शक्तिहीन तामसिक शक्तियां तेज गति से मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। यीशु और मोहम्मद जो भविष्यवाणियां करके गए हैं उससे इन दोनों धर्मों के धर्माचार्यों में भारी आतंक छाया हुआ है। सभी को एक ही चिंता खाए जा रही है कि धर्म के नाम पर अरबों खरबों रुपयों का धन चर्चों और मस्जिदों में आ रहा है। अगर नई शक्ति के प्रकट होने से वह बंद हो जाता है तो उस पर पलने वाले करोड़ों लोगों का क्या हाल होगा? हम देखते हैं मृत्यु अवश्यंभावी है। कालचक्र की गति के साथ साथ हर वस्तु, व्यवस्था, सभ्यता आदि सभी का अंत सुनिश्चित है। किसी की घबराहट और किसी की खुशी से कालचक्र पूर्ण रूप से अप्रभावित है। युग परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशाल और प्रभावशाली शक्तियां हमेशा ही समाप्त होती आ रही हैं।
मानवीय व्यवस्था इसे बचाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। मानवीय प्रयास मात्र डूबते हुए को तिनके का सहारा ही साबित होगा, जिस परम सत्ता के अवतरण की महर्षि अरविंद ने घोषणा की है। मेरे जीवन के प्रारंभ काल से ही वह सत्ता परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का भान निरंतर कराती चली आ रही है। मैं अज्ञानवश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भी सांसारिक जीवों की तरह तामसिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। सन 1967 में अचानक मुझे लगाम लगा दी गई। उस समय तो मैं कुछ नहीं समझ सका, पर अब अच्छी तरह समझ रहा हूं कि पहले मैं विपरीत दिशा में चल रहा था, परंतु एक ही झटके में उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा दिया। इस प्रकार मैं निरंतर उसकी आकर्षण सत्ता के कारण तेज गति से उसकी तरफ बढ़ता गया। इस प्रकार निश्चित समय पर प्रत्यक्षानुभूतियां अनायास ही साक्षात्कार में बदल गई। प्रत्यक्ष आदान प्रदान के बावजूद गुरु के अभाव में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ सका। जो ही गुरुदेव की चरण रज माथे पर लगी, एकदम काया ही पलट गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि गुरुदेव विरासत में सब सत्ता सौंप कर चल दिए। करीब 2 साल तक मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब सारी स्थिति से अवगत कराया गया तो मैं कुछ समझ सका हूं। यही कारण है कि मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए वाली बात पर अधिक भरोसा करता हूं। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है। ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सदगुरु ही सक्षम है। गुरु कृपा बिना यह कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। ठेठ अगम से आई हुई आत्मा ही गुरु पद पर पहुंच पाती है। इस प्रकार के चेतन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जीवन में आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। तत्काल सतलोक की विभिन्न सात्विक शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूतियां होने लगती हैं। जीव माया की परिधि को अनायास गुरु कृपा से लांघ जाता है। इसके बाद क्रमिक विकास के साथ अगम की तरफ बढ़ता हुआ जीव एक ही जन्म में उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सात्विकता और तामसिकता 2 विपरीत शक्तियां हैं। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकती। मोटे रूप से रात और दिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इस प्रकार संत सदगुरु के चरणों में समर्पित होते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका सारा कुछ सेव पासे में बंद कर। माइक बंद करवा दीजिए। पीके सिंह जी भाई साहब कृपया माइक बंद करें अपना। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। गुरु के सानिध्य में जाते ही तामसिक भावनाएं पूर्ण रूप से दूर भाग जाती हैं, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता।
जो ही गुरु के प्रति समर्पित हुआ कि तामसिक सत्ता के बंधन खुल जाते हैं, जीव जो कुछ कर रहा है उसके भले बुरे का तत्काल उसे ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अंगीकार सरल और संभव हो जाता है, परंतु केवल अंगीकार से काम नहीं बन सकता। तामसिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, वे फिर कभी दबोच सकती हैं। अतः अंगीकार के साथ उन भावों के त्याग की भी प्रार्थना गुरु के सामने करनी आवश्यक है। गुरु परम दयालु होते हैं, इस तरह अंगीकार और त्याग की प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इधर गुरु ने करुणा करके जीव की प्रार्थना स्वीकार की, उधर उसकी काया में तामसिकता का स्थान सात्विकता ले लेती है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता ने स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार चावल की हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का एक जैसा प्रभाव होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। गुरु की आस्थित योग चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज वापस हमने गुरुदेव की एक दिव्य लेखनी सुनी और इस लेखनी से हमें बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में सबको ये क्लियर कर दिया है कि गुरु के प्रति समर्पण और गुरु से प्रार्थना, और गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुरु ने स्वयं उस गुरु तत्व, उस गुरु महिमा को समझाया, उस परमपिता परमेश्वर ने अपने उस तत्व को समझाया है कि उस परमपिता परमेश्वर का कैमरा ऑन कर लेंगे क्या? गुरु भाई मेरा कैमरा दिख नहीं रहा क्या? मैं हाँ आपका कैमरा नहीं आ रहा, जिस प्रकार हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि उस परम सत्ता का स्वरूप जो सात्विक स्वरूप है वो ही गुरु होता है, और गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात हमें बताई कि गुरुदेव तो इतने दयालु हैं कि एक बार हम उनसे प्रार्थना करें सच्चे दिल से, सच्चे समर्पण से, तो गुरुदेव हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमें तमोगुण से उठा के सत्व गुण में स्थापित कर देते हैं। तो देखिए कि आज गुरुदेव ऐसे गुरु मिलना, हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत लकी, नहीं, ये समस्त सृष्टि, ये समस्त काल और ये समस्त जितने भी मनुष्य हैं, हम सब बहुत बहुत लकी है कि वो परमपिता परमेश्वर हम पे कृपा कर रहे हैं और आज वो हमें चेतन कर रहे हैं, हमें डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहे हैं हमारे गुरु, ठीक है। और गुरुदेव गुरु हैं और वो ही परम पिता हैं, तो वो हमारे साथ हर क्षण और हर पल है, पर तब वो ही परम सत्ता उस गुरु के रूप में आ जाती है। तो बहुत, हाँ जी गुरु बहन, जी बबीता गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव भाई साहब, बताओ फिर बता दूंगी, आप अपना कंप्लीट करो। हाँ गुरु मैन, बस मैं यही कह रहा था कि तब वो परम सत्ता हमारी गुरु बन के आती है और हमें ज्ञान देती है, तो वो ज्ञान बहुत ही दिव्य और बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है, और वो ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, जिसको गुरुदेव ने बहुत ही सरल और सहज दिया, सिर्फ दो काम, नाम जप और ध्यान। तो बस यही कहना चाहता था गुरु बहन, आप बोलिए। जय गुरुदेव। बबीता गुरु बहन, गुरु बहन आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ। मुझे सुन पा रहे हैं गुरु भाई बहन आप सब? जी भाई जी, गुरु आवाज आवाज आ रही है। हाँ जी भैया, आ रही है आपकी आवाज।
कविता गुरु भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं या जय गुरुदेव भाई साहब सभी को मेरे जय गुरु जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि पता नहीं मेरे भ्रम है क्या सही है वो पूछ भ्रम है क्या है सच्चाई है ये मेरे को ध्यान नहीं है। मैं नाद सुन रही था थोड़े काम करते करते लेट गई, लेटने के बाद नाद सुनते सुनते एकदम मुंह भी पूरा वाइब्रेशन कर रहा था और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मेरा पूरा सिर मुर खिंच रहा था। उसी टाइम ऐसे लगा जैसे मेरा शरीर जैसे याद करते रहे किसी के दूसरे की फोटो को वैसे ही मेरा शरीर मुझे सामने खड़ा हुआ नजर आया और बहुत देर तक आया और मैं ये सोच रही मेरा चेहरा ये पूरा मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर है सारा सारी चीजें बिल्कुल ये मेरे भ्रम है ये वास्तव में है मेरे को सामने ऐसे खड़ी हुई नजर आई पूरी बॉडी नजर थी बार बार वो कई देर तक रही वो एक बार और हंस रही है जैसे मैं हंसती हूँ सेम टू सेम वैसे ही हंस रही हूँ पता नहीं मुझे मेरे भ्रम है क्या है। बहुत सुंदर गुरु बहन, कोई भी गुरु बहन भाई इस बात का जवाब अगर पुष्टि करना चाहता हो बहुत ही सुंदर अनुभूति। उस टाइम वाइब्रेशन में थी गुरुदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में पूर्ण थी ये तो मुझे पूरा विश्वास है पर मेरा ही चेहरा काफी देर तक नजर आया फिर आज शेयर करूंगी जरूर ये बात क्या सही है गलत है क्या है पता नहीं मुझे। कुछ गलत नहीं गुरु बहन, इस योग में हर चीज साइंटिफिक प्रूव्ड है तो ये सत्य ही होगा। अगर गुरुदेव का नाद है गुरुदेव की साधना है और गुरु की भक्ति और गुरु की शक्ति है तो हर चीज पॉसिबल है गुरु बहन, जो बियॉन्ड द साइंस है तभी तो ये स्पिरिचुअल साइंस कहलाती है। कोई भी गुरु बहन भाई अगर कुछ कहना चाहे अनुभूति के, बाकी मेरा जहाँ तक गुरु बहन मानना है ये सत्य है और ऐसा होता है, ये गुरुदेव आउट ऑफ द बॉडी का एक्सपीरियंस करवाते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। और एक और बात पूछना चाह रही थी पता ना बहुत दिनों से पहले से ही है जैसे मैं गुरुदेव की फोटो है कोई भी तो उस फोटो को लगातार देखती रहती है तो जैसे फोटो की फ्रेम है फ्रेम के चारों तरफ से मैं दूध या प्रकाश साग मेरे को नजर आता है और लगातार देखते रहते तो दूध प्रकाश बढ़ता चला जाता है और जैसे पलक झपकती वो वापिस उसके चारों तरफ नजर आता है मुझे मेरे को दिखता है या सभी को दिखता है। फिर मैं दूसरी फोटो देखती हूँ उसमें भी ऐसा ही नजर आता है वो दूध प्रकाश लगभग लगातार देखती हूँ तो उसमें से प्रकाश से प्रकाश नजर आने लग जाता है जैसे दूध या प्रकाश होता है ना वैसे मुझे मेरे को ही दिखाई देता है गुरुदेव की फोटो में सभी को गुरु भाई बहनों के साथ में या मेरा भ्रम है यही पूछना चाह रही थी आज। भ्रम तो देखिए भ्रम की स्थिति गुरुदेव रहने नहीं देते, तब आपका नाम जो तेज और आपकी भक्ति आपके गुरु के प्रति है तो वो भ्रम में नहीं रहने देते। बाकी जहां तक मेरा है कि मुझे ये दूधीय प्रकाश आंखें बंद करके जरूर दिखता है ध्यान में, बाकी हाँ कभी खुली आंखों से गुरुदेव की फोटो पे तो कभी नहीं दिखा दिखता है भाई साहब आंखें बंद करके तो दिखता रहता है जैसे मैं गुरुदेव की दीपक जलाती हूँ तो दीपक के समय तो पीले जैसे पीला पीला प्रकाश दिखाई देता है गुरुदेव के फोटो के साथ और फिर उसके साइड से मेरे को अलग से ही दूध या प्रकाश नजर निकलता हुआ नजर आता है चारों तरफ से तो मैं ये देखूं दिन में देखूं तो भी नजर आता है रात को देखूं तो भी नजर आता है फिर ऐसे ही मैं अगर दूसरी फोटो में देखने लगू ना तो उस फोटो से भी नजर आने लगती है मेरे को चारों तरफ से दूध प्रकाश। फोटो से पूछो ना वो सही उत्तर देंगे स्पष्ट एकदम करेक्ट उत्तर देंगे। बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है मैंने सोचा ऐसा ही दिखाई दे रहा हूँ चलो आज बार बार आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ आज। इस योग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सब चीजें पॉसिबल है और वो हमारे श्री हरि जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है गुरु बहन कि आप गुरुदेव की तस्वीर से जिस तस्वीर में आपको वो दिख रहा है आप उन्हीं से पूछो गुरुदेव ये क्या है ये क्यों है ये किस लिए है और ये साथ होता है क्या। मेरा ये मानना है गुरु बहन वो तो पक्का जवाब देंगे क्योंकि वो ही करता विक्की शर्मा जी। गुरु भाई जय गुरुदेव। वैसे गुरु भाई मेरे को क्या नाम से इच्छा नहीं होती पूछने की जो हो रहा है उसको बस आराम से देखती रहती हूँ मजा लेती हूँ मैं नहीं पूछती हूँ गुरुदेव से कुछ भी। जी जी गुरु बहन विक्की जी कुछ बोलेंगे गुरु बहन शायद। जय गुरुदेव गुरु बहन बहुत ही दिव्य अनुभव है गुरु बहन। मैंने कहीं महेश कुमार दत्ता जी का एपिसोड सुना था उसमें किसी दिन क्या होता है कि मैंने उनका किसी कारण से उंगली कट जाता है तो मैंने वो फिर उसके बाद रक्त निकलते रहता है तो ही वे वो ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जब चले जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर मैंने एज इट इज महेश कुमार दत्ता निकल कर बाहर में खड़े होते हैं और देखते हैं कि मेरा शरीर से रक्त निकल रहा है। हाँ मैं
शरीर से अलग हो, ये एक्सपीरियंस का वो शेयर किए थे एक एपिसोड में। तो सूक्ष्म शरीर निकल कर बाहर आ जाता है एज इट इज, तब क्या होता है हम लोग का मोह जो है, ये भी साधना का एक पड़ाव है, हम लोग का मोह जो है शरीर के प्रति कम होता है। शरीर के प्रति जो एक्चुअली हम लोगों का मोह रहता है उससे हम लोग अलग है, इसका साधना के उच्चतर स्तर में जाकर आभास होता है और वो आपको हो रहा है गुरु बहन, एकदम दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, आज ही लगा मेरे को, वैसे कभी भी तो ऐसे लगता है, पहले ध्यान किया था एक बार निकला था, जैसे मेरे एक चेहरा तो नीचे देख रहा है, एक चेहरा मेरे ऊपर देख रहा है, ऐसे शरीर से निकलता हुआ था, थोड़ा सा दिखाई दिया था, लेकिन आज तो पूरी बॉडी सामने है, वो बहुत देर तक रही है, वो ऐसे नहीं दो मिनट रही, और वो हंस रही है आराम से, जैसे मैं हंसती हूँ वैसे हंस रही है। वो तो मेरे पहले हुआ था, वो बस थोड़ा सा चेहरा जैसे निकल रहा है, आधा सिर से बाहर निकल गया है, और एक मैं कह रही हूँ दो चेहरे कैसे हो गए, एक तो मैं नीचे देख रही हूँ, एक ऊपर काकास की तरफ देख रही हूँ, दो दो चेहरे कहाँ से आ गए। वो शुरू शुरू की अनुभूति थी बहुत पहले, नरेश भाई साहब की वहां पर ध्यान किया था जब, नरेश भाई साहब आज मेरे को ये अनुभूति हुई है जब बोले ये तो साक्षात्कार का है, गुरुदेव ने साक्षात्कार करवाया, मुझे पूरा नहीं करवाया, आधा चेहरा निकाला है मुझे सिर से, आज तो पूरी बॉडी सामने खड़ी थी और काफी देर तक रही और हंस रही है वो आराम से। बहुत सुंदर जय गुरुदेव भाई साहब। एक क्वेश्चन और पूछना था कि गुरुदेव जैसे यूएसए में पहली बार गए थे अमेरिका में, जो उसने कहा कि मैं इंडिविजुअल को ध्यान नहीं कराता, मैं सामूहिक ध्यान कराता हूँ, बोले इसमें पास्ट कन्वर्सेशन होता है, पास्ट कन्वर्सेशन क्या होता है भाई साहब, ये मुझे थोड़ा बताइए। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो कृपया कर हैंड रेज करके बताइए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है गुरु बहन। जी तापस कुमार दत्ता जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो बहन गुरु बहन बोल रहा है ये पिक्चर से, गुरुदेव की पिक्चर से एक वीडियो प्रकाश दिखाई देता है भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया कर आपसे निवेदन है थोड़ा सा लाउड बोलिए। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ गुरु बहन बोल रहा है कि गुरुजी की जो पिक्चर है उसमें प्रकाश निकलता है, उसको दिखाई देता है, आ रहे हैं जी गुरु भाई, रिक्वेस्ट करूंगा कृपया अगर आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, क्लियर नहीं हो पा रहा आप क्या पूछ रहे हैं। क्या बबीता जी आपको अगर सुनाई दे रहा हो क्लियरली तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया अगर आप जवाब दीजिए गुरु भाई का। नहीं सुना भाई साहब, समझ में नहीं आया क्या बोला भाई साहब ने। जी भाई रिक्वेस्ट है जी गुरु भाई बोलिए प्लीज। गुरु भाई आपका माइक अनम्यूट है, तापस कुमार दत्ता जी। धनंजय भाई साहब उनका क्या थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो मतलब हिंदी बोलने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, तो अपन प्रयास करें सुनने का, वो उनका शायद वो बाहर भी है कहीं, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तापस जी बोलिए गुरु भाई। तापस जी बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं यही बोलना चाहता हूँ गुरुदेव की जो पिक्चर है उस पिक्चर से प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश मुझको दिखाई देता है। वो जब जब मैं गुरुजी की पिक्चर के सामने आता हूँ तो वो लाइट का जो प्रकाश है वो प्रकाश निकलता है सभी पिक्चर से, सभी गुरुदेव का जो जो पिक्चर मेरे पास है सभी पिक्चर से वो प्रकाश निकलता है और वो मुझको दिखाई देता है। गुरु बहन ने बोला उसको दिखाई दिया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ मैं भी वो देखता हूँ वो जो प्रकाश निकालता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर। देखिए आपकी जो अनुभूति थी वो गुरु बहन की भी थी, तो विच इज ट्रू, ये होता है, ये भी एक अनुभूति है। जी गुरु बहन बोलिए। सभी गुरु फोटो में दिखाई देती है मेरे को, तो गुरु भाई को भी सभी में दिखाई देता है। गुरु बहन जैसा आपको हर फोटो में प्रकाश दिखता है वैसे गुरु भाई को भी हर फोटो में दिखता है,
तो वो भी यही बता रहे हैं, सेम अनुभूति आप दोनों की, बहुत सुंदर। वो पास्ट कन्वर्सेशन के बारे में समझाओ भाई साहब, मैं आज काफी दिन हो गए, मैं कोई नहीं पूछेगा उस दिन पूछूंगी। गुरुदेव ऐसे उसका इंटरव्यू लिया था, तब उस टाइम गुरुदेव ने बताया कि मैं इंडिविजुअल को कभी भी दीक्षा नहीं देता, सामूहिक में देता हूँ, ये इसमें पास्ट कन्वर्सेशन होता है। तो मैं ही सोचे पास्ट कन्वर्सेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा कोई बता दे तो ठीक, नहीं तो नरेश भाई साहब से पूछना है। कोई भी गुरु बहन थे अगर जिनको उसका गुरु बहन, क्या आप थोड़ा सा इसका कोई रिकॉर्डिंग हो, या आप पास्ट कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन की बात कर रहे हैं? कन्वर्सेशन का आप बोल रहे हो, वही है भैया। अरे कन्वर्सेशन, हाँ कन्वर्सेशन का मतलब तो हम आपस में बातचीत करते हैं वो होता है, और कन्वर्जन का मतलब होता है कि रूप को बदलना। तो हो सकता है गुरुदेव ने कन्वर्जन के बारे में बोला हो। तो वो यूएस में पहली बार गए थे तब इंटरव्यू लिया था, उसमें बताते हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा, वो इंटरव्यू तो सुना है, उसमें आप टीवी एशिया में, हाँ टीवी एशिया में लिया था, और अच्छा, अच्छा। उसमें लिखा साहब बोले गुरुदेव मैं इंडिविजुअल को कभी दीक्षा नहीं देता, मैं सामूहिक देता हूँ। अच्छा अच्छा, उस टाइम ये सब बोलते समझ में नहीं आया, काफी सुनती हूँ पर कभी ध्यान नहीं दिया आपकी। अभी कल परसों सुन रही थी तब भी यार, मगर जिस दिन कोई नहीं हाथ लैंड रेज नहीं करेगा उस दिन ये टॉपिक रखूं ताकि थोड़ी चर्चा चले। गुरु बहन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा विषय थोड़ा मतलब गंभीर है, इस पे हम ऐसे ही नहीं बोलना चाहेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वीडियो को एक बार दोबारा सुनेंगे अपन, और भी जो गुरु भाई बहन है वो सुनेंगे, और किसी ने अगर सुना हो वो अपने विचार रखना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा इसको एक बार हम सुनेंगे और कल के सेशन में हम फिर इस पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है गुरु भाई, जय 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 गुरुदेव। और कोई गुरु बहन भाई? जी कांशा जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका स्वागत है, कृपया कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। जी मैं बताना चाहती हूँ कि वो गुरुदेव का वीडियो मैंने सुना था, तो गुरुजी उसमें बोल रहे हैं मास कन्वर्जन, मतलब सामूहिक इनिशिएशन होता है, ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी। मास MASS। ओके जी जी, इस बारे में गुरुदेव ने कई बार कहा है कि सामूहिक हम ध्यान करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। आपने भी, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने एक बार देखा है, मतलब एक बार क्या मतलब मेरे जब पहली बार दीक्षा हुई थी तब भी मुझे उसकी ऊर्जा बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी कि सभी लोग जब एक साथ ध्यान करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर आप हमारे घूमते हैं, तो उसमें ध्यान बहुत गहरा लगता है। तो अब शायद जो आकांक्षा गुरु बहन बता रहे हैं कि मास मतलब एक साथ जिनका सभी सामूहिक ध्यान करते हैं, शायद वही अर्थ होगा गुरुदेव का। जी बबीता जी, गुरु बहन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब, यहाँ भैरोड़ में ज्यादातर 10-15 दिन में सामूहिक ध्यान होता है, उस दिन वैसे ध्यान में जाते हैं तो बहुत गहरा ध्यान लगता है, अकेले में नहीं लगता है। वहाँ 1 घंटे तक मंत्र जाप करते हैं फिर ध्यान करते हैं, बहुत गहरा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भैरोड़ में 3रे दिन होता रहता है, संडे को होता है ये ध्यान। बहुत सुंदर बात है गुरु बहन, ये तो हम सभी को करना चाहिए। इनफैक्ट हम जो ऑनलाइन करते हैं इस सेशन के माध्यम से, उससे भी मतलब मुझे व्यक्तिगत लगता है कि मुझे काफी फायदा हुआ है। शुरू में मेरे साथ ये थोड़े परेशानी होती थी, लेकिन सेशन के साथ ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगने लगा है। पर जो इंडिविजुअल बैठ के करते हैं ना, कभी किसी के घर में कभी किसी ने में, जो इच्छा वो करवा लेता है वहां बैठ के, हम 1 घंटे करते हैं 15 मिनट ध्यान करते हैं फिर अपन अपने घर चले जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम चलता रहता है वेरोड के अंदर, तो उसमें बहुत गहरा ध्यान लगता है, अलग ही लगता है। जी जी, इस तरह की एक्टिविटीज हम सभी को करनी चाहिए। हाँ गुरुदेव के आश्रम में आपकी टीम बड़ी दिव्य है गुरु बहन जी। हाँ भैरव पर गुरुदेव भी ज्यादा विशेष कृपा है। अरे गुरु भाई एक से बढ़कर एक है।
नेहा गुरु बहन भी कुछ कहना चाहती है। नेहा गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जो अभी बात चल रही थी कि गुरुदेव मास कन्वर्जन वाला जो स्टेटमेंट था, तो उसके बारे में मैंने जो सुना था तो वो मैं थोड़ा शेयर करूंगी कि गुरुदेव ने ये बोला था एक बारी, वो पता नहीं ये बुक में है या फिर किसी से बोला गया है, कि गुरुदेव ने ये बोला था कि ये जो भी मैं मतलब शक्तिपात करता हूँ वो सामूहिक रूप से, तो अगर ये इतना ज्यादा होता है, लोग समझते नहीं है कि अगर एक हाथी में मैं ये डाल दूं ऊर्जा तो फट जाएगा, तीथड़े उड़ जाएंगे उसके, इसलिए शायद कुछ मतलब ये स्टेटमेंट था, मुझे किसी ने बताया था, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे बताया था। अभी ये कितना सही है नहीं है तो ये नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। जी गुरु बहन, अगर आपने सुना है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मतलब आपने पढ़ा है या कहीं वीडियो में देखा है? ये वीडियो मैंने देखा, ये एक गुरु भाई हैं जिन्होंने मुझे जोड़ा था, वो भी मेरे ख्याल से उन्हें 24-25 साल से हैं, वो गुरुदेव से मिल चुके हैं, वो राजस्थान में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था। ओके, वो भी सकता है गुरु बहन। बाकी मेरा भी जहाँ तक व्यक्तिगत ये मानना है कि गुरुदेव अगर मास लेवल पे करते हैं तो फैक्ट है कि वो परम शक्ति परम ऊर्जा हमें वो शक्तिपात करते हैं। वो शक्ति मतलब मदर ऑफ यूनिवर्स, गुरुदेव उसको कहते हैं, दैट शी इज द मदर ऑफ यूनिवर्स। तो मदर ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स अखंड है, वो मतलब इन्फिनिटी है, तो वो एनर्जी भी इन्फिनिटी है। तो विच इज ट्रू, हो भी सकता है कि गुरुदेव हम सब में वो शक्तिपात मास इसलिए करते हैं कि वो शक्ति को हम सारे जने डिवाइड हो जाती है तो उसका जो एवर्जन है वो इक्वली बढ़ जाता है, वो भी सकता है। बट गुरुदेव ने अगर कहा है कि माफ करता हूँ तो फैक्ट है गुरु है, उसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ा विज्ञान होगा जिसको गुरुदेव खुद अपनी लेखनी में व्यक्त कर देंगे या हमें बता देंगे, वो गुरुदेव की मर्जी है। बाकी ट्रू है गुरु। आपका कहाँ से जुड़ना है गुरु बहन? बैंगलोर से। ओके ओके, बैंगलोर से। कितना टाइम हो गया गुरु बहन आपको जुड़े हुए गुरु त्याग से? अभी मुझे तो 2 साल हो गए हैं। 2020 में मैं जुड़ी थी। ओके, तो आप इस मंच पे जुड़ते रहते हैं, अपने अनुभूति शेयर करिए कभी गुरु बहन। मैं जुड़ती डेली हूँ बट मतलब बोलती नहीं हूँ। एक्चुअली मेरी इतनी कोई अनुभूति नहीं है, मेरा ध्यान नहीं लगा है 2 साल से, तो इसलिए कुछ अनुभूति खास ही है, छोटी मोटी कभी कभी होती है, बस यही चल रहा है अभी फिलहाल। ये भी अच्छी बात है गुरु बहन, जिनके कुछ होता है तो वो कुछ घटाने के लिए होता होगा, किसी के कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है, आपके गुरुदेव अलग अकाउंट क्लियर कर रहे होंगे जिसमें कुछ ज्यादा लिखा। भाई वो मुझे ये इंडिकेशन मिला है, मतलब गुरुदेव से मिला है, सपने में गुरुदेव आए थे तो मुझे उसमें इंडिकेशन मिला है कि तुम्हारा कुछ कर्म है जो रोका हुआ है जिसने साधना को, तो इसलिए मतलब मैं नहीं छोड़ सकती, उन्होंने खुद ही मेरे को जोड़ा। मेरे को जब मैं फर्स्ट टाइम ध्यान किया था, जैसे आप सब लोगों को बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है, मेरे को कभी भी नहीं हुई। बहुत मंत्र जाप किया, मतलब एक तरह से गुरुदेव के सामने नाक रगड़ी तो वाइब्रेशन जाके स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है वो अकाउंट क्लियर नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं हो रहा है इतना ज्यादा फील, बट हाँ मतलब एक जी क्लियर, वो शायद क्लियर होगा तभी नहीं हो रहा, वरना किसी को कुछ बीमारी होती है, प्रारब्ध होते हैं तो उसके हिसाब से गुरुदेव उनसे यम नियम आसन प्राणायाम पर करवाते हैं। बाकी वो गुरु की मर्जी है गुरु बहन, वो गुरु जानता है, वो सबसे सर्वव्यापी है, वो ही नोज एवरीथिंग, तो हमें तो सिर्फ नाम जप और ध्यान करना है। बाकी अच्छी बात है गुरु बहन आप जुड़ते हैं, नाम जप कर रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं, तो उसने जोड़ा हुआ है, हम सबको जोड़ा हुआ है। जी गुरुदेव ने जोड़ा हुआ, उन्होंने ही हाथ पकड़ा, ये तो फील होता है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं होगा एक महीने तक डेढ़ महीने तक तो वो क्यों करेगा, उसके आगे सोचेंगे बाकी की तरह ही है ये, बट मैं फिर भी पता नहीं कैसे जुड़ी रही, क्या रहा वो तो सब गुरुदेव ही जानते हैं। जिसको जोड़ना है ना गुरुदेव से वो जुड़ी जाएगा, मुझे ये लगता है कैसे भी जुड़ेगा वो। और मैंने अभी 3 दिन हुए हैं अभी एक साधक को और जोड़ा है, उनके ऑलरेडी मतलब बहुत ही दिव्य अनुभूति थी कि वो मतलब कि जैसे ये अनुभूति है कि बॉडी से उनका सूक्ष्म शरीर अलग होना है, वो सब ऑलरेडी उन्हें होता था, बट मैं उन्हें बहुत टाइम से ही बोल रही थी कि आप कर लो, उनकी साधना ऑलरेडी आज्ञा चक्र पे ही चल रही थी और मतलब इतनी ज्यादा उनकी
मतलब जो लाइफ की स्टोरी है ना, इतनी तिलिस्मी, इतनी तिलिस्मी बेताल पच्ची सी, जैसे मैं मतलब बता भी नहीं सकती। ऑलरेडी उनको सब कुछ था, तो फिर मैंने फोर्सफुली कहा, जैसे मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट मैंने उन्हें फोर्सफुली कहा। मैंने उन्हें मतलब जो हमारे ग्रुप में आते हैं रामलाल भैया, तो उनकी मैंने एक अनुभूति बताई कि खेचरी मुद्रा की बात होती उसी टाइम में लग जाती है खेचरी मुद्रा। तो तब उनको स्ट्राइक की बात, क्योंकि वो मेरी अनुभूति से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता है। मैंने कहा कि इससे ज्यादा होता है, बहुत सब शेयर करते हैं, डेली बेसिस पे होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी करता हूँ। उन्होंने 15 मिनट किया, तो उन्होंने 2 साल तक ध्यान नहीं किया था, कुछ माया में पड़ गए होंगे, तभी भी उनकी एनर्जी मूलाधार में घूमती रहती थी, वो बता रहे थे मेरे को बिना ध्यान किए। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान किया तो वो तेजी से एकदम ऊपर उठने लगी। कुछ उन्होंने और ही बताया पैरों से कैसे वो ऊपर प्रेशर आ रहा था, क्या क्या मुझे समझ में नहीं आई वैसे वो बात कि कैसे था, बट वो बहुत तेजी से उन्होंने खुद ही ध्यान तोड़ दिया। और ग्रुप में जुड़े हैं उनको बोले सेशन से जुड़े हैं और अपनी अनुभूति साझा करें कि गुरु से आग से दियोग से जुड़ने के बाद उनकी क्या क्या अनुभूतियां रही है। हाँ बिल्कुल, अभी उनको अजपा जाप भी लग गया है, एक दिन में पूरा नहीं हुआ उनका अजपा जाप भी स्टार्ट हो गया है। तो वो बहुत ही बोल रहे हैं कि मंत्र तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कई बार मंत्र की तारीफ की है कि ये तो बहुत ही सकारात्मक है और इतना ऊर्जा वाला मंत्र है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा कि आप कितनी साधना करोगे, गुरु के बिना आपकी पार नहीं पड़ेगी। जब राम कृष्ण परमहंस हैं जो कि काली माता को खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, जब उनकी नहीं पड़ी तो आपकी कैसे पड़ेगी। कैसे भी कैसे गुरुदेव ने खैर जोड़ लिया, अब वो बहुत ही इज वेरी हैप्पी। बोलूंगी उन्हें आने के लिए सेशन में। जी गुरु बहन, तुकाराम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव। तुकाराम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ तो गुरु बहन बबीता ने जो कहा है कि मास कन्वर्जन, ये सामूहिक चेतना का जो रूपांतरण होता है वो पर्सनली जो करते हैं उनके बहुत ज्यादा होता है। इसमें और क्या होता है कि अगर सपोज मैं ध्यान करता हूँ और मेरा ध्यान लगता नहीं, तो जब हम समूह में मेडिटेशन करते हैं तो जिनका ध्यान लगता है उनकी जो चेतना है उसका हमें लाभ होता है और वो ध्यान की जो अनुभूति होती है उच्च होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एक ही है। अगर हम ये गुरुवार का सेशन हमारा रहता है महाराष्ट्र में, तो क्या होता है कि डेली जो हम मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन और वो गुरुवार का मेडिटेशन जो सेशन में होता है वो बढ़िया होता है बहुत, ये सब लोगों की अनुभूति है। तो इस पर एक महर्षि महेश योगी करके थे और यूएसए में उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे साधक चुने थे और वो साधक मेडिटेशन, स्तोत्र, मंत्र इनका पठन करते थे। यूएसए में कुछ सिटी उन्होंने चुनी थी और उस चुने हुए शहरों में वो प्रोग्राम करते थे। तो क्या हो गया कि ये मेडिटेशन की जो चेतना बाहर जाती है वो वातावरण में भी उसका लाभ होता है। तो उन दिनों में वहाँ डकैती, सुसाइड, अपघात, एक्सीडेंट, ये उसमें बहुत कटौती आ गई है। तो हमें तो इस इफेक्ट होता ही है, फिर भी सामूहिक चेतना का बाहर के वातावरण पर भी इफेक्ट होता है। और गुरुदेव जो मास कन्वर्जन के जो प्रोग्राम बताते हैं, जिनको योग क्या है पता नहीं, ध्यान क्यों क्या है पता नहीं, उनको भी योगी क्रिया होती है। इसका मतलब वो जो चेतना है उस चेतना में कैसा भी आदमी आप लेकर बैठोगे उसको भी योगी क्रिया होगी। ये मास कन्वर्जन या सामूहिक रूपांतरण का एक परिणाम होता है। बस यही कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट और कम शब्दों में गुरु भाई आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि मास कन्वर्जन का मतलब व्हाट इज द पर्पस, इसके पीछे का क्या विज्ञान है।
सत्य गुरु भाई की गुरुदेव करते हैं, और ये हमने भी नोटिस कराया, वीडियोस में भी देखा है, और काफी गुरु बहन भाइयों ने तो सेशंस गुरुदेव के जो सत्संग होते थे उनमें जुड़े भी हैं और अपनी आंखों से भी देखा है कि हर आदमी को वहां पे स्वतः ही योग शुरू हो जाता था। तो जी गुरु भाई, बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट और कम शब्दों में गुरुदेव आपके माध्यम से विज्ञान को भी बता डाला। बाकी कोई भी गुरु बहन भाई मंच से जुड़कर अपनी अनुभूतियां या अपना कोई भी प्रश्न साझा करना चाहता है, कृपया कर मंच पर पधारेंगे, मंच आप सभी का है। कोई भी गुरु बहन भाई अपना कोई भी अनुभव हो या कोई भी अनुभूति हो या कोई भी प्रश्न रखना चाहता है तो कृपया कर मंच पर आए। चलिए कोई ना, बाकी वैसे भी समय तो हो चुका है, बट कोई भी गुरु बहन भाई, विक्की शर्मा की गुरु भाई, जय गुरु, आपका माइक ऑन है गुरु भाई, कुछ बोलना चाहते हैं आप? चलिए कोई ना, उनका गलती से माइक ऑन हो गया होगा। सेशन में ये जो दिव्य लेखनी हम सारे गुरु बहन भाई सुनते हैं पढ़ते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि हमें जो हमारे मन में प्रश्न होते थे वो गुरुदेव की लेखनी के थ्रू मिले, और मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरुदेव ने इतनी अच्छी और इतनी सुंदर किताबें भी लिखी हुई है। तो इसी भी एके के मंच और यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आज हम सबको वो दिव्य लेखनी सुनने का और अवसर समझने का अवसर भी मिला है, तब गुरुदेव की मर्जी है। अरुण जी गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आपका माइक ऑन कर लीजिए। मैं सिंह जी सुनने वाले पे हूँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की अनुभूतियां सुन रहा हूँ, और एक क्या कह सकते हैं, एक प्ले स्कूल का भी साधक हूँ अभी, तो देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, उनकी सुन रहा हूँ मैं। आपका जुड़ना कहाँ से होता है गुरु भाई? मैं आसाम से हूँ जी। ओके, और आपको कितना समय हो गया गुरु भाई? मेरे को 2014 मार्च 2014 को गुरुदेव ने बुला लिया था। तो आप डेली सेशन से जुड़ते हैं गुरु भाई? कंटिन्यू नहीं था, लेकिन ये 3-4 दिनों से कंटिन्यू हूँ। आज सुबह सेशन में जुड़ा था ध्यान के लिए, बहुत अच्छा लगा, द मॉर्निंग वॉज वेरी गुड। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा ध्यान हो चुका बस, हालांकि मैं 8:30 बजे अपनी पूजा करता हूँ तो गुरुदेव का उसी समय मेडिटेशन और ध्यान करता हूँ, लेकिन हिंगू जी ने कहा था कि आप सुबह भी इसमें ज्वाइन करो, तो मैं उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मास जो मेडिटेशन होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज जैसे मास मेडिटेशन में अगर जब जुड़ रहा था तो ऐसा लगा कि एनर्जेटिक ज़्यादा महसूस हुआ, मेरे को लग रहा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। थ्रू आउट द डे मैं फील कर रहा था कि बहुत अच्छा समय चल रहा है आज, देखते हैं कल सुबह फिर जुड़ूंगा तो कल का अनुभव क्या होता है तो पता लगेगा। बहुत सुंदर, इसी पे मैं मास जो मेडिटेशन होता है उस पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि जैसे आज मैं जुड़ा 7:31 पे मैंने ऑन करा, और ऑन करते ही एकदम से मैं मेडिटेटिव स्टेट में चला गया, तो यही एक साथ ध्यान करने की बात होती है कि ना मैंने कुछ मांगा ना कुछ मैंने पूछा, जस्ट आंख बंद हुई और अपने आप आंखें खुल गई, तो ये होता है गुरु भाई। गुरुदेव आपको आपकी आंखें थोड़ी सी ऊपर चढ़ रही थी, मैंने कहा ये मेडिटेशन का प्रभाव हो रहा है। हाँ गुरु भाई, वो तो होता रहता है, पूरे दिन होता रहता है, उसको शायद शांभवी, शायद तो नहीं है, उसको शांभवी मुद्रा ही कहते हैं, तो वो स्वतः लगती है गुरु भाई, आती है वो आनंद, वो नशा, वो सब अपने आप आता है, अपने आप जाता है, वो गुरुदेव की मर्जी, अपने आप ही रहता है, वो सब ध्यान का ही, गुरुदेव की ही इच्छा है। किसी ने हैंड रेज किया है सिंह जी? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। बुद्धि जी जय गुरुदेव गुरु, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं अरुण जी से अनुरोध कर रहा था, गुरु भाई बताइए किस तरह आपका गुरुदेव से जुड़ना हुआ, अपनी शुरुआती अनुभूति बताइए गुरु भाई।
मेरे पिताजी कहा करते थे कि गुरु बिना गुरु के साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मेरे पिताजी भी क्या है कि अयोध्या प्रवास करते थे, उनके उनके खुद के गुरु थे। तो मैं सोचा था कि वो जब उनका जब साकेत धाम हो गया, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई वो तो साकेत धाम हो गए, गुरु बनाए, तो बोला बनाया जा सकता है, लेकिन इसी स्थिति के अंदर में वो होप नहीं पाया। तो पिताजी जब अपने लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में थे, तो मैंने पिताजी ने क्या किया, मेरे को इसके पहले पिताजी ने मुझे एक नाम जापक संत के पास भेजा था झांसी, तो वहाँ पे गए हम, लेकिन बस चला के वापस आ गए। फिर एक घर पे आए साधक, उनसे भी गुरु दीक्षा लेने की बात हुई, लेकिन उनसे भी नहीं ले पाया। तो मैंने जब 3-4 महीने जब पिताजी के थे संसार से विदा होने के पहले, मैंने पिताजी को कहा था कि मेरा अब गुरु कौन बनेगा, तो पिताजी का ये उत्तर था कि अब तो मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, अब देख लेना कैसे हो। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि इस संसार के अंदर मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जहाँ पैसे का कारोबार नहीं हो। और चूंकि मैं कुंडलिनी विज्ञान के बारे में सुना हुआ था, तो मैंने कहा था कि ठीक है कोई भी हो मेरा गुरु, लेकिन पैसे का लेन देन ना हो और मुझे इस साधना के पथ में आगे बढ़ाए। तो ये प्रार्थना मैंने एप्लीकेशन मैंने डाल दी थी। पिताजी के जाने के बाद 1.5 महीने के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि अब मेरा गुरु कौन होगा, मेरे तो माँ बाप दोनों ही चले गए। तो अचानक मैं एक दिन सुबह कंप्यूटर पे बैठ के कुछ अपने सा कुछ देख रहा था, मेल वगैरह, तो अचानक किसे कोई एक ऐसी व्यवस्था बनी तो कोई मुझे ये कह रहा है कि कंप्यूटर का ये मेल वेल बंद करो और कोई धार्मिक प्रोग्राम जाके टीवी पर देखो। ये सुबह 6:20 की बात होगी। तो मैंने कंप्यूटर 6:25 में ऑफ किया और टीवी के सामने चैनल बदली कर रहा था। चैनल बदली करते करते गुरुजी का स्पीच आ गया। उस समय जब मैं वो स्पीच को सुना और जब उन्होंने कुंडलिनी शक्ति के बारे में जैसे ही उसने जिक्र किया, तो मेरे को ऐसा चंबा सा लगने लग गया कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये बिना पैसे का ये चीज मिल रही है। तो मैंने कहा भाई यही मेरा गुरु होगा। तो अचानक उस दिन लाइफ पूरी रेस्टलेस हो गई थी और मैंने 8 बजे ही सुबह फ़ोन कर दिया आश्रम पे। तो किसी ने फ़ोन उठाया, उठा के कहा कि मैंने कहा मेरे को ये गुरुजी से बात करा के दो। तो बंदा बोलता है कि मैं तो नया नया आया हूँ आश्रम में, मैं आपको कहाँ किसका नंबर दूँ। तो बोला आप एक नंबर लिख लो, उनसे बात कर लेना। तो उन्होंने परमार जी का नंबर दे दिया, और परमार जी को मैं सुबह 8:30 से लगा रहा, परमार जी के नंबर ही नहीं उठा रहे। तो जाते जाते 9:30 परमार जी ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मैं आसाम से बोल रहा हूँ और इतनी दूर पे हूँ, गुवाहाटी से 360 किलोमीटर दूर पे। तो बोला हाँ बोलिए। तो मैंने कहा मेरे को गुरु जी किससे बात करवा दो आप। बोले ऐसे तो बात होगी नहीं, आप एक काम करो मुझे आश्रम पहुंचने दो मुझे, मैं वहां से बात करता हूं आपको, मैं अभी रास्ते पे हूं। आश्रम पहुंचे, फिर किया फोन किया। उस दिन पूरी मेरा लाइफ उस दिन पूरी अव्यवस्थित हो गई। पता नहीं ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे को ऐसे खींच रही है, बार बार ये मेरे को प्रॉम्प्ट कर रही है कि तू जुड़ इससे। बाद में उन्होंने कहा एक काम करो अरुण जी, मैं आपसे आपको रात को सारी डिटेल बताऊंगा, इन द मीन टाइम आप एक काम करो ये मंत्र है ना सुन लो। चलो ठीक है, जैसे तैसे वो मंत्र सुन लिया। मैंने ऐसे बेचैनी कर दी शरीर के अंदर कि मैंने कहा यार ये कौन सा गुरु है यार, इतनी बेचैनी भी क्यों होती है। लास्ट में रात को जब उनसे बात की तो मैंने कहा कि हाँ अब बताओ मेरे को, तब उन्होंने सारी बात बताई। इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम हुआ था वृंदावन, तो उसी समय मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं जोधपुर जाऊंगा, और यहाँ से जाते हुए परमात्मा से अपने इष्ट से ये कहा था कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे 1-to-1 मिलना है गुरुदेव से, मैं किसी के सामने नहीं मिलना चाहता, मैं 1-to-1 मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आश्रम पहुँच गए। उस दिन ही थर्सडे था, विस्तृतिया था, उस दिन दीक्षा
दीक्षा पाठ करते गुरुदेव, उसी दिन पता लगा। शाम को दीक्षा वीक्षा हो गई, होने के बाद में मैंने गुरुदेव को सबने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। ये मेरे को उनसे मिलना था, लेकिन मैं मिलना चाहता तो प्रभात जी ने कहा अभी तो मिल लिए, अब और क्या मिलना है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे अकेले में मिलना चाहता हूँ उनसे। तो नेक्स्ट डे मेरी रात की ट्रेन थी जोधपुर से आने की, तो बोला नेक्स्ट डे हम देखते हैं अगर आपका कुछ बन जाता है तो। तो नेक्स्ट डे हम जब गए उनके आश्रम में तो बोले मैं आपको रिंग कर दूंगा, आप आ जाना। 11 बजे से मैं उनके रिंग का इंतजार कर रहा था, परमार जी ना फोन ही करे ना कोई बात। मैंने कहा तो मेरी रात की ट्रेन चली जाएगी, मेरा तो गुरु से मिलना ही नहीं होगा। तो करीबन 2:30 बजे उनका फोन आया कि आप आश्रम आओ। जब आश्रम भागे वहां से जोधपुर सिटी से भागे, पहुंचे मैं और मेरी मिसेस थे बैठे हुए, चार बंदे बैठे हुए थे। वो चार बंदे में से कोई उठ के ही नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा, बोलते आज तो गुरुदेव नीचे ही नहीं आए, आप कैसे मिलोगे। परमार जी बोलते अच्छा एक काम करो, 1.5-2 घंटे हो गए आपको, एक काम करो आप नेक्स्ट किसी टाइम विजिट करो तब मिल लेना आप। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने है ना अपने इष्ट से है ना ये वचन लेके आया हूँ कि मेरे को गुरु से है ना 1-to-1 मिलना है। उसी बीच दो व्यक्ति जो आश्रम में थे वो चले गए। वो जब चले गए तो हम तीन जने बैठे हुए थे, मैं, मेरी मिसेज और एक जना और। तब भी गुरुदेव का कोई बुलावा नहीं आया। अचानक वो व्यक्ति तीसरा भी जब चला गया तो 5 मिनट के बाद में किसी ने मेरे आवाज लगाई, कौन गुरुदेव से मिलने चाहता है वो आ जाए ऊपर। हम सीढ़ियों से भागे ऊपर और तब हमें कहा यहीं रुक जाओ आप, गुरुदेव इसी गैलरी में आएंगे। मैंने कहा गैलरी में, यहाँ भी गैलरी में? फिर विद इन सेकेंड उन्होंने कहा रूम में आ जाओ। जब मैं रूम में जब गया तो गुरुदेव चेयर पे बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। उस समय धनंजय जी मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं गुरुदेव को कैसे प्रणाम करूँ, क्या करूँ। बस रो रहा था और गुरुदेव मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसे अश्रुपात हो रहे थे। तो किसी ने अंदर से कहा कि आगे की तरफ झुक जाओ, गुरुदेव के हाथ तक पहुंच जाओ आप। तो मैं नीचे झुका और थोड़ा सा आगे बढ़ के तब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो बस। वो उन्होंने जो हाथ रखा सर पे, दैट वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। बेस्ट क्या, मैंने उसकी, मैं आपको आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स में, तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा वो कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन वो हाथ जो रखा बस उसके बाद से, उस समय मुझे ये नहीं लगा कि मैं और थोड़ी देर रुकूँ या गुरुदेव से और कुछ बात करूँ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी शक्ति पा ली है, बस मेरे को अब हो गया मेरा काम। और दिन रात ट्रेन थी, बस निकल के आ गए। लेकिन हाँ इतना जरूर था, गुरुदेव जब सह शरीर थे, जब भी यहाँ घर से बोल के जाता था गुरुदेव को, गुरुदेव मैं आ रहा हूँ आपसे मिलना है, तो आप मुझे दिखाइए और मिलना जरूर आप। हालांकि मुझे विजिट जरूर करवाते थे वो 2-3 घंटे आश्रम में, कभी भी जब कभी गया था तो कोई प्रोग्राम के अंदर नहीं गया था, कोई गुरुदेव के प्रोग्राम में नहीं गया था उसमें, तो वो ऊपर छत के ऊपर से ही अपने रूम के बाहर आके कॉरिडोर में वो ऐसे देखते थे जैसे हम एक आँख से आँख मिलती थी। और थोड़ा सा वो क्या बिना का स्माइल सी एक करते थे, और वो स्माइल देख के मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाता था, मैं सोचता मेरा भी आज का काम हो गया। इस तरह से गुरुदेव से जुड़ना हुआ। और वैसे भी गुरुदेव कल की जय हो जय हो जय हो। तो इस तरह से गुरुदेव जी, गुरु भाई बहुत सुंदर, आनंद आया गुरु भाई, नो वर्ड्स। तो आपके मैसेज भी गुरु भाई, गुरु बहन भी मतलब ध्यान करते हैं गुरुदेव का? लेकिन तो जिस लोग गए थे उस दिन वो बोली मेरे तो गुरु बने हुए हैं तो मैं नहीं जुड़ूंगी। आश्रम में उनको समझाया गया था, वो बोले मैं नहीं जुड़ूंगी, मेरे गुरुदेव हैं। वो उस दिन जब शक्तिपात हो रहा था तो वो पीछे बैठी हुई थी, और शक्तिपात होने के बाद जब उसने योगिक क्रियाएं लोगों के देखी तो वो तो वो बोली कि मतलब मैं ऐसे ना, मैं ऐसे नहीं जुड़ सकती, बाप रे बाप, ये तो पैर ऊपर कर देंगे नीचे कर देंगे, मैं इस तरह से नहीं जुड़ सकती इनके साथ। वो डर गई उनसे वो देख के। तो ठीक है,
लेकिन अब आजकल मैं पूछता भी नहीं हूँ कि तू जप करती है नहीं करती है, लेकिन हाँ उसको एक एक बहुत बड़े एक हादसे से गुजरी थी, तो वो बता रही थी कि हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त कोई सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहन के मेरे साथ ऊपर सीढ़ियों में चल रहा था, उस समय वो बेहोश हो गई थी, उसका प्रेशर हो गया था 300, ऊपर का प्रेशर 300 और नीचे का प्रेशर हो गया था 200। उस प्रेशर के अंदर में वो बोल रही थी कि मुझे होश नहीं, लेकिन मुझे ये पता लग रहा था कोई सफेद रंग की धोती कुर्ता पहन के मेरे साथ सीढ़ियों पर चल रहा है। हो सकता है गुरुदेव ही रहे होंगे। गुरुदेव ही थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी गुरु भाई, कल भी आप मन से जुड़िएगा और आगे अनुभूति बताइएगा। वैसे भी अभी समय हो अनुभूति करा नहीं रहे धनंजय जी, गुरुदेव अभी थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। बहुत सुंदर जो भी सुन के बहुत अच्छा लगा, आपकी जो भी स्टार्टिंग फेज रहा अति सुंदर गुरु भाई, आनंद आ गया। बाकी आइए मन से जुड़िए गुरु भाई आप, बाकी बहुत अच्छा लगा। तो मैं जी बहुत बढ़िया अनुभूति है, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस है, बहुत बढ़िया एकदम। आज सुबह हिंगू जी बहुत अच्छा लगा, आज मेरे को नहीं पता था कि ये मेडिटेशन करने के बाद इस तरह की रहेगी। द होल डे वाज वेरी गुड, अच्छा सब था। गुरुदेव की कृपा है, अपना कुछ नहीं, सब गुरुदेव का है, गुरुदेव को अर्पण करना है सभी कुछ। नहीं मैं थोड़ी सी आप सिफारिश कीजिए सिफारिश कीजिएगा गुरुदेव को। ठीक है चलो, जय गुरुदेव, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के उतार की जय हो, जय हो, जय हो।